हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम आए थे पालमपुर बनूरी के पास, वहाँ पे हमें थी चवरी और खाना खा के अब जा रहे हैं घर। और अभी टाइम 2 बज गए हैं। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो भी लग पड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो देखिए गाइस, बारिश लगी है, हल्की फुल्की सुहानी सुहानी बारिश। और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। तो ठंडा ठंडा हो गया, पहले गर्मी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, बस में कहीं जाना, पैदल पैदल चले जाना। नीचे हम बस अड्डे तक जा रहे हैं पालमपुर। तो क्या, धीरे धीरे चले रहना। देखिए आगे, यहाँ से रास्ता पार करना है। और ये डंगर आवारा है। और देखिए गाइस, ये है धूड़े का बूटा और इसमें धूड़े लगे हैं, इसको खाते हैं। और नीचे है खड्ड, वो देखिए खड्ड है, नीचे पानी चला हुआ है। और नूर के डैडी आगे चले गए हैं और डंगरों को देखिए, बच्चा भी है गाय का, ये भी साथ में छोड़ दिया लोगों ने। तो गाइस, हम पालमपुर से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे चाचा जी मिल गए और वो हमें अपने घर लेकर आ गए। और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे गमले से सजावट की थी और सामने का व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। ये जो है, ये पालमपुर में रहते हैं और हमारे गांव के ही हैं, जिसको ग्रैत बोलते हैं, पहाड़ी में। तो ये हमको लेकर आए और हम थोड़ी देर बैठे, चाय पानी वगैरह किया और फिर घर को चलने की तैयारी। और इनका बहुत ही अच्छा घर था, तीन मंजिलें था और व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। तो एक में वो खुद रहते थे और दूसरों में किराएदार रखे थे। और यहाँ से बहुत ही साफ़ सुथरा सब नज़र आ रहा था। तो वो रास्ते में मिल गए तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं उनके पास। तो फिर हम उनके पास गए और फिर टाइम हो गया था 3:30। और फिर वो हमें अपनी गाड़ी में फिर वापस पालमपुर बस अड्डे में छोड़ने को गए। तो गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।